नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु भारद्वाज। दिल से स्वागत करता हूँ आपको टेक्निकल गेमर SB पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट गेम, जिसको डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट गेम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, कितना साइज है गेम का, कितना ग्राफिक्स अच्छा है, कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सा फ़ोन में अच्छी तरह वर्क करता है, कितना GB होना चाहिए गेम को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इनमें से कुछ सवाल आपके दिमाग में ज़रूर चलते होंगे। तो दोस्तों, ये सवाल के आंसर्स आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, तो फिलहाल आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पहला सवाल कि गेम का साइज़ कितना है, मैं आपको बताता हूँ। गेम का साइज़ लगभग 55 MB का, लेकिन आपको टोटली 60 MB डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 5 MB आपको ZRChiver एप्लीकेशन पड़ेगा, क्योंकि ZRChiver एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो जो मैं आपको नीचे फाइल्स दिया हूँ, उसको आप ZRChiver फाइल मैनेजर से एक्सट्रैक्ट करने वाले, यानी कि डीकम्प्रेस करने वाले। दोस्तों, सेकेंड कि गेम का परफॉर्मेंस कितना है। गेम का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, कॉम्पिटिबल फॉर ऑल डिवाइसेस, यानी कि एंड्रॉयड और सैमसंग जितने भी फ़ोन्स एंड्रॉयड के, सब फ़ोन में अच्छी तरह वर्क करेगा, चाहे आपका 1 GB हो, 2 GB हो, 3 GB हो, 4 GB हो, 5 GB, 6, कितना भी आपका मेमोरी रैम हो, आपका अच्छा से गेम वर्क करेगा। दोस्तों, गेम का ग्राफिक्स के चलिए बात करते हैं। गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि गेम का ग्राफिक्स अच्छा कितना है, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि गेम का ग्राफिक्स इतना अच्छा है कि इसे बताया जाए कि ये एक तरह से बहुत ही बेस्ट गेम है हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का। और दोस्तों, ये अवेल एंड्रॉयड के लिए रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि मैं मोड में लाया हूँ, इसलिए मैं मोड में लाया हूँ, लेकिन ये एंड्रॉयड के लिए ओरिजिनली रिलीज नहीं हुआ है। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ आपको गेम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है, आपको मैं सब स्टेप्स बताऊँगा। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम आ चुके मेरे मोबाइल स्क्रीन के अंदर, और दोस्तों आपको यहाँ पर क्रोम में जाना है, और आपको एक लिंक मिलेगा नीचे, ऐसा लिंक रहेगा, देख सकते हैं गूगल रैप का लिंक है, ऐसा रहेगा। तो इसको आपको नीचे जाके आपको इसमें टैप करना है, टैप करके आपको आपको पूछेगा ओपन फ्रॉम गूगल क्रोम UC ब्राउज़र या कोई भी आपका ब्राउज़र पूछेगा, तो आपको एक चूज़ कर देना है, और चूज़ करने के बाद आपको इस टैप का पेज में पहुँचा देगा, और आप डाउनलोड बटन में क्लिक करते आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, ZRChiver, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका गेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, हम आप फिर से गूगल क्रोम में चलते हैं, एक पल के लिए मैं आपको ZRChiver दिखा देता हूँ कि कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। ऐसा लिंक रहेगा नीचे ZRChiver एप्लीकेशन का, इसे सर्च करेंगे तो आपको, एक मिनट, थोड़ा सा लोड हो रहा है, क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक मिनट, बस एक मिनट, जल्दी हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा दोस्तों। और आपको आपको इस ओपन इन प्ले स्टोर ऐप में क्लिक करना है, तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। और मैंने आपको बताया था कि मेरा नेटवर्क स्लो है, इसलिए थोड़ा देर यहाँ पर लोड शायद ले सकता है, ज़्यादा देर नहीं लेगा, अगर ज़्यादा लेने से मैं स्किप कर दूंगा इसे, यानी कि वीडियो को पॉज कर दूंगा। और दोस्तों, देख सकते मेरा नेटवर्क कितना स्पीड में चल रहा है, थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और गेम तो फुल ऑफलाइन है दोस्तों, उसका टेंशन मत लीजिए, गेम तो फुल ऑफलाइन है। मैं बैक करता हूँ एक बार, बैक करके एक मिनट बैक करता हूँ, हाँ एक बार बैक, फिर से इसे ओपन इन प्ले स्टोर ऐप में क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर पे, और आपको इस टाइप का एप्लीकेशन के अंदर पहुँचा देगा। ZRChiver इसका आइकन कुछ ऐसा है, और ऐसा कुछ इमेजेस है, और ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आपको ZRChiver के अंदर ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जाइए वो फोल्डर पे जहाँ पर आपने गेम को रखा है। वेल, मैंने रखा था अपना UC डाउनलोड्स में, तो मैं UC डाउनलोड्स में जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपने UC ब्राउज़र से डाउनलोड किया होगा, तो UC डाउनलोड्स में ही जाइएगा। डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट बाय SB.7Z का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप गेम का साइज भी पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं लगभग 55.97 MB का, यानी कि 56 MB पकड़ लीजिए।
ज़ेरा अचीवर कुछ 4.5 MB का है, तो लगभग आपको 60 MB डाउनलोड करना ही होगा। इसको आपको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर सेकंड ऑप्शन और अपलोड साइन है इस पर प्रेस कर देना है। प्रेस करते आपको पुट करना है पासवर्ड, एक पासवर्ड पुट करना है, बहुत सिंपल है। आपको लिखना है COMTRESSED फिर स्पेस BY DY S.B यानी कि कंप्रेस्ड स्पेस बाय स्पेस SB कंप्रेस्ड बाय SB और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है, आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। और थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और दोस्तों आप वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ और टाइम बहुत लग गया, इसलिए मैं कल अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा मैंने टेक्सचर भी चेंज किया, प्लेयर ऐड किया है। अगर मैं आपको प्लेयर बताऊंगा कितना है तो एक घंटा का वीडियो हो जाएगा। 56.81 MB का एक APK फाइल निकल चुका है जिसको अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों गेम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं आपको बता ही दिया। अगर मैं अभी नाम लेना स्टार्ट करूँगा प्लेयर्स के तो एक घंटा का वीडियो हो जाएगा, इतना सारा प्लेयर्स है सोचिए। तो इसे ओपन कर लें जो कि टॉप ऑप्शन और ओपन साइन में, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ इसे इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने वीडियो को पॉज कर दिया इसलिए मेरा ये गेम इंस्टॉल हो चुका है। इसे ओपन करने से परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ करना है। मैं अलाउ कर देता हूँ, एक अलाउ हो चुका, ये दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और ये चौथा भी हो गया। और ऐसा ब्लैक स्क्रीन आने के बाद आपको पावर्ड बाय यूनिटी का ऐसा देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा और ये ऑफलाइन गेम है, वैसा बात नहीं है कि इंटरनेट कनेक्शन है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है। ये जब आप स्टार्टिंग जब गेम को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ऐसा ही आपका लोड लेगा, मतलब बहुत देर लोड लेगा, बहुत देर मतलब आपका 1 मिनट ही लोड लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि गेम फुल ऑफलाइन है। जैसे सकते मैं जियो यूज़र हूँ और मैं जियो यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि 1.5 GB रहता है पर डे के लिए, इसलिए ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकता। और गेम हमारा चल चुका है, 1 मिनट, हाँ गेम हमारा चल गया। और कितने सारे प्लेयर्स है देख सकते हैं। और ये क्रेडिट जाता है, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ यूनिटी गेम्स को क्योंकि उनकी वजह से ही ये गेम्स है। और यूनिटी गेम्स को बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू यूनिटी गेम्स। तो मैं जल्दी से शेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त इसे ढूंढ रहा है बहुत दिन से, उसे मिल नहीं रहा है ये गेम, तो उसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो अपना हिसाब से देखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा और फेसबुक फ्रेंड बनना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो बाय गाइस।